हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता। मेरे चैनल अमृता कुकिंग क्रिएटिविटी पर आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूं खट्टे मीठे बैंगन। तो यहां पे छोटे साइज के बैंगन ली हूं। ऊपर की डंडी को थोड़ा काट लूँगी। आप चाहे तो यहां पे डंडी को रख सकते हैं। नीचे की पार्ट को दो हिस्से में चीरा लगा दें। बैंगन को अच्छे से पानी में धोकर नमक और हल्दी पाउडर लगाकर छोड़ दें। आप बड़े साइज के बैंगन को छोटे हिस्से में काटकर यूज कर सकते हैं। अभी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे ली हूँ फिनेल, मेथी, दालचीनी, काली मिर्च, धनिया, सरसों, जीरा, सूखी लाल मिर्च। सभी चीज़ों को एक पैन में डाल दें। खड़े मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में पीस लेंगे। प्याज, टमाटर, लहसुन, करी पत्ता, इमली ली हूँ। इमली को 10 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे। उसी टाइम तेल में बैंगन को फ्राई कर लेते हैं। पैन में थोड़ा तेल डाल दें। बैंगन को डालकर कवर ढककर फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में बैंगन को चेक कर लें। बैंगन के एक साइड फ्राई होने के बाद दूसरे साइड के पलट कर फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ली हूँ जीरा, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हरी मिर्च। मीठे के लिए गुड़ ली हूँ। पैन में थोड़ा तेल बच गया था, उसी में हींग, जीरा, हरी मिर्च डाल दें। कटे हुए लहसुन, करी पत्ता, प्याज को भी डाल देते हैं। थोड़ा टाइम भून लें। कटे हुए टमाटर भी डालकर भून लें। आप यहाँ पे टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल दें। इमली का पानी डाल दें। गुड़ डाल देते हैं। गुड़ नहीं है तो आप सिंपली चीनी भी डाल सकते हैं। बनाएंगे मसाले पाउडर को 2 चम्मच डाल दें। फ्राई किए हुए बैंगन को डाल देते हैं। कवर ढककर 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर ले। हमारा चटपटा खट्टे मीठे बैंगन तैयार है। ऊपर से धनिया पत्ता गार्निश कर ले। मेरी रेसिपी पसंद आई रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बैंगन की रेसिपी मेरे चैनल पे और भी अपलोड की हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं।